गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम तैयार हो गए हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे उठ गए थे, नहा धो के तैयार हो गए हैं, 8 बजे निकलने का टाइम है। और इन पीछे वाली पहाड़ियों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई थी जो आज पिघल गई है, क्योंकि 2 दिन से धूप बहुत तेज़ थी। कुफरी जाने का प्लान था हमारा, लेकिन वो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया क्योंकि रास्ते बंद हैं, थोड़ा जाम है और फैमिली के साथ हैं इसलिए फंस ना जाएं। तो हम लोग अब निकलेंगे सीधा जयपुर। तो भाई प्लान में हो गए ट्विस्ट, अब हम जयपुर की बजाय जा रहे हैं कुफरी। और आज का दिन फिर पूरा रहेगा एक्साइटमेंट से भरा हुआ, तो आज का दिन आपको दिखाएंगे पूरा क्लब महिंद्रा से लेकर कुफरी तक का सफर। तो भाई निकल गए हैं क्लब महिंद्रा कंडा घाट से और जयपुर की बजाय निकल रहे हैं हम लोग कुफरी की तरफ। रोहित का भैया ऐसे कि एक बार अगर मन में आ गई बस फिर। ये सामने लिफ्ट है, वेलकम टू शिमला गाइस। और ये पार्किंग से ऊपर आपको लेकर आती है, नीचे पार्किंग है, उस पार्किंग से ये लिफ्ट आपको ऊपर सिटी में लेकर आती है आपके होटल्स में आना। और यहाँ से मॉल रोड का रास्ता है और आप आइस देख रहे हैं, बर्फ गिरी हुई है सबकी छतों पे लगभग ये देखा है, बर्फ गिरी हुई है। और शिमला पहुँचते ही ट्रैफिक भी बढ़ गया है, अभी सवेरे के 9 बजे हैं और ट्रैफिक खूब ज़बरदस्त ट्रैफिक है। देखे गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है और पूरी पार्किंग में बर्फ जमी हुई है। ये देखे जा रहे हैं लिफ्ट की ओर, लिफ्ट से जाएंगे मॉल रोड। भाई 10 रुपए की टिकट लेके और लिफ्ट से आ गए हैं ऊपर और ये हमारी बाकी सवारी आ गई है। अब दूसरी एक और लिफ्ट लेनी है, चलो देखते हैं। इससे पहले भाई शिमला जब आए थे तो मई जून के महीने में आए थे, तो शिमला के बारे में मेरे विचार इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन लगता है कि इस बार शायद वो चेंज होने वाला है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है, बर्फ़ गिरी हुई है और मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा है। पहले दरवाजे से घुसे थे और निकल रहे हैं इस तरफ राइट साइड में, ये है मॉल रोड का रास्ता। हाँ मेरे पास है और ये बर्फ गिरी हुई है, ये जगह ये देखें बर्फ। मॉल रोड पे रुके नाश्ता करने, भाई पराठे बन रहे हैं ताज़ा ताज़ा एकदम शानदार और मिठाइयाँ एकदम फ्रेश, बालूशाही अलसी के लड्डू समोसे हैं। तो अभी नाश्ता करेंगे और फिर नाश्ता करके जाएंगे ऊपर मॉल रोड घूमने। ये है भाई शाम को 5 बजे का कुफरी का नज़ारा, बर्फ़ गिरी हुई है ज़बरदस्त और ठंड हो रही है इस टाइम, 1 डिग्री टेम्परेचर है, बर्फ ही बर्फ है, रास्ता बहुत स्लिपरी हो रखा है। एडवेंचर पार्क की पार्किंग यही है ना? हाँ यही है। और गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल की लोकल तो है ही खैर। और ये देखिए बर्फ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। ये है हमारा होटल भाई ट्विन टावर और जस्ट एडवेंचर पार्क के पास में ही है, ये लेफ्ट साइड में ये है एडवेंचर पार्क और ये है ट्विन टावर होटल। और टेम्परेचर तो इस टाइम बहुत ही चिल्ड हो रखा है मौसम और रोड स्लिपरी है, लोग फिसल भी रहे हैं, गाड़ियां भी स्लिप कर रही हैं, बहुत एहतियात से ही चलना पड़ रहा है इस टाइम पे। ये गाड़ी देखो खड़ी हुई है और पूरी साइड से बर्फ़ से कवर्ड है। बर्फ़ गिरी हुई है भाई, कम से कम 1.5 फुट, 1-1.5 फुट की बर्फ़ गिरी हुई है, उस पर चल रहे हैं, पता नहीं कहीं गड्ढा ना हो, पहले के पाँव के निशानों पे ही रखते हुए अपन चल रहे हैं। और इधर ये देखें सनसेट का टाइम हो गया है, ताज़ा स्नोफॉल एकदम 2-3 दिन पुरानी। जेसीबी लगी हुई है
बर्फ क्लियर करने के लिए सड़क पे से बर्फ को हटा रही है और जेसीबी खुद ही स्लिप कर रही है। ये देखो कितनी बर्फ इकट्ठी हो गई है, और ये तो बहुत ही छोटी सी एक कनेक्टिंग रोड है उस पे ये हाल है। मेन रोड्स पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है। ये जेसीबी लगी हुई है भाई पिछले 3 घंटे 4 घंटे से सड़क की बर्फ को निकाल निकाल के साइड में डाल रहा है। बर्फ निकाले कितने निकाले भाई, बर्फ की कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखो ना बर्फ ही बर्फ है। अब ये इसको हटाएगा 3 दिन 4 दिन बाद फिर पड़ जाएगी। ये होगी कम से कम 10 फुट बर्फ। बर्फ का नज़ारा है रूम की खिड़की के बाहर, और यहाँ पर इन्होंने हीटर लगा रखे हैं बेड में। ये बेड में हीटर्स हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो जाता है। हाँ बेटा साढ़े 7 बजे भाई निकलने का शेड्यूल फिक्स हो गया है, सामान आ गया नीचे, गाड़ी रेडी है, और बर्फ तो वैसी है, टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन है। सुबह सुबह का नज़ारा और उधर सनराइज। ये भाई कुफरी का ट्विन टावर्स होटल न्यू कुफरी, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, एक नंबर एक्सपीरियंस। स्टाफ बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, और खाना तो हमने खैर एक ही टाइम खाया था इसलिए उसके रिव्यूज़ में नहीं डाल सकता, भूख नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी सब चीज़ें एक नंबर। सुबह सुबह का रोड भाई स्लिपरी है इसलिए बहुत ही ध्यान से, और एक्सपीरियंस ड्राइवर उत्तम जी बिल्कुल फुल एहतियात से निकाल रहे हैं, और इन्हीं की इंस्ट्रक्शन थी कि थोड़ा सा अपन लेट निकलें इसलिए हम लोग 7:30 बजे निकले हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं रास्ते में क्या क्या आज इंजॉय करते हैं। जयपुर भी पहुँचना भाई शाम तक। चलो सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है भाई, ये नज़ारा देख के मनाली वाले टूर की याद आ गई, वहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर था, बढ़िया शानदार। हाँ बस यही एक जगह है जहाँ हम गए थे, उसके बाद की रील थोड़ी देर के लिए गायब करनी पड़ी थी, कुछ अलग ही वो हुआ था, आर्थिक मामले गड़बड़ा गए, आंतरिक मामले। भाई पहाड़ों पर आए और मैगी नहीं खाई तो फिर क्या पहाड़ पे, क्या पहाड़ पे आए, मैगी खानी तो बनती है। ये हमारी दो टाइप की मैगी बन रही है, चाय बना दो, एक प्लेन और एक वेजिटेबल मैगी। शिमला से निकल के और अभी कंडाघाट पहुँचे नहीं है, उससे पहले ये कि मैगी पॉइंट पे अपन ने मैगी बनवा के खाई, बहुत बढ़िया स्वाद, और ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब स्टेशन पहुँच के अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकलेंगे जयपुर की ओर। पहुँच गए भाई कालका स्टेशन, आज क्या ड्राइविंग खुद नहीं कर रहे थे तो थोड़ी तबीयत वैसी हो गई जैसे जी में चलाता है, आदत नहीं है, आज लाइफ में पहली बार किसी और गाड़ी में बैठ के ऐसे पहाड़ों पे ट्रैवल किया। चलो ये मिल गई गाड़ियाँ अपनी,